मनीष उपाध्याय। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं थैंक्स गॉड आई एम स्टेमर की सीरीज बना रहा हूं, है ना। इसमें मैं ऐसे कुछ एक्शन स्टेप्स बता रहा हूं जो लोग स्टेटर हैं, स्टेमर हैं, उनको काफी हेल्प करेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने दो स्टेप्स पे बात कर चुका हूं। ये मेरा थर्ड स्टेप का वीडियो है। जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताई थी वो थी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरे स्टेप में मैंने बात की थी थ्री डीज ऑफ लाइफ, जहां पे अगर मैं इसका निचोड़ बात करूं सेकंड स्टेप का कंक्लूजन, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ माय सेकंड स्टेप, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। जो थर्ड स्टेप है वो है कूल डाउन। दोस्तों, मैं मैक्सिमम टाइम जब मुझे मौका मिलता है, मैं कोई परफॉर्मेंसेस देखने जाता हूँ या मैं जब मैं रीड किया, मैंने काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। जो लोग रॉकस्टार रहते हैं, जो सेलिब्रिटी रहते हैं, जो कुछ परफॉर्म करते हैं, वो स्टेज पे जाने के पहले अपने आप को अकेला रख रखते हैं। दे कीप देमसेल्व्स अलोन ताकि वो अपने माइंड को कूल डाउन कर सकें। फ्रेंड्स, ये थर्ड स्टेप है इसी के बारे में। थर्ड स्टेप इज कूल डाउन। फ्रेंड्स, मैं बात करूं, मैं स्टेज पे जाऊं, मैं किसी से कम्युनिकेट करूं, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी नया करूं, कुछ भी चैलेंजिंग लूं, मुझे सबसे पहले कूल डाउन होना जरूरी है। स्पेशली हमें स्टटर को, स्टमर को ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप कूल डाउन हो जाते हो तो आपके थॉट्स क्लियरली फ्लो होते हैं, और वंस योर थॉट विल फ्लो क्लियरली, यू कैन कम्युनिकेट क्लियरली। अभी तक हमने एक्शन स्टेप्स, हमने बोलना शुरू नहीं किया, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली यानी मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं, जब आप किसी से बात करना शुरू करते हो तो आप एकदम बॉडी में खिंचाव सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपको लगता है, यार अगर मैं बात नहीं करूंगा तो शायद ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ और डेथ। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं सब बोलता हूं कि यार हमें अपॉर्चुनिटी मिली है बात करने की, कोशिश करके देखते हैं, राइट? तो उस समय आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है। जितना रिलैक्स होंगे आप अच्छे से बात कर पाओगे, राइट फ्रेंड्स? तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज करें आप रिलैक्स हो जाइए। कम्युनिकेशन, खासकर स्टैमरिंग इंप्रूव करने के लिए, अभी तक हमने कोई प्रैक्टिस, कोई एक्शन नहीं लिया है बात करने के लिए, बट स्टिल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो रेगुलर मेडिटेशन से, राइट? आप कुछ लोग रिलैक्स करते अपने बॉडी को रेगुलर फिटनेस से, एक्सरसाइज से, राइट? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, कूल डाउन कीजिए अपने मेंटल लेवल को, अपने फिजिकल लेवल को विद सम एक्सरसाइज, राइट फ्रेंड्स? तो आज हम तीन स्टेप कंप्लीट की है। पहली स्टेप मैं रिमाइंड करा दूं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सेकंड स्टेप थ्री डीज ऑफ लाइफ, एंड थर्ड इज यू आर एक्चुअली कूलिंग डाउन योर बॉडी एंड योर माइंड, राइट फ्रेंड्स? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपके स्टैमरिंग को कुछ एक नई दिशा दी है, मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो आप भी देख सकते हो, उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनको इसकी सख्त जरूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी रेगुलर स्टेप्स फॉलो करने के लिए। सी यू इन स्टेप नंबर 4।